मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसएमई समिट में कहा कि हम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतियां बना रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि 3-4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद भी हम ही आने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मत सोचिए कि चुनाव आने वाले हैं तभी हम योजनाएं निकाल रहे हैं, चुनाव के बाद भी सत्ता में हम ही आने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जो काम लघु उद्योग कर सकते हैं वो काम बड़े उद्योग भी नहीं कर सकते। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बड़े निवेश लाने के प्रयास करते रहेंगे, लेकिन छोटों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा ध्येय वाक्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लघु और कुटीर उद्योगों की महत्ता को बहुत मानते हैं और स्वीकार करते हैं। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीने में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले हैं, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। आत्मविश्वास तो बंद करो, इसलिए आप खुद के विचार कीजिए। और चुनाव के पहले ही हम और कुछ नीतियां परिवर्तित कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मिलकर साथ चलेंगे, क्योंकि अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है, रोजगार के नए नए अवसर सृजित करके हमको देना है, इसलिए कोई माम अकेला थोड़ी करेगा, मिलकर अपन करेंगे। मैं आपका साथ चाहता हूं, हम मिलकर करेंगे। तो खुलकर आप विचार विमर्श कीजिए सकारात्मक सोच के साथ। और ओम प्रकाश जी, आप और पूरी टीम यहां बैठी, इसमें से जो ऐसी चीजें हैं की जा सकती उनको छाटिए। हम अपनी नीतियों में जहां परिवर्तन करने की जरूरत होगी हम फिर परिवर्तन कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वास्तव में हो, वास्तव में हो तो फायदा नहीं कहने को, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और पता चला कि फिर कोई चीज ऐसी फंस गई थी जिसमें ईज हो ही नहीं, तो डूइंग ही करते रहो, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ध्याना जरूरी है, हम वो परिवर्तन भी करेंगे। एक बार मैं इस एमएसएमई सम्मेलन में, फिर देखो मेरा कहना यह कि इसमें से कुछ निकलना चाहिए, नहीं तो आप आए, आपने भाषण सुना, शाम को आप लौट गए, तो एक दिन और बेकार टूट गया। ये उपयोगी होना चाहिए और सरकार के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि मैं करना चाहता हूं, दिल में जिद है, जुनून है, जज्बा है अपने मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का। हम गरीब क्यों रहे साहब, नहीं रहेंगे गरीब, कोई की आंखों में आंसू नहीं होंगे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर एक का राष्ट्र बनाएंगे, यह हमारा संकल्प है। आइए इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपना भी योगदान दें। बोलिए सब तैयार हैं, तो बोलिए भारत माता की जय, जय मध्य प्रदेश। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में, आप देख रहे हैं दखल न्यूज।